उर्फी जावेद के कपड़ों के ऊपर जो ट्रोलिंग आई, तो मैंने एक सिंपल सा पिटिशन फाइल किया एंड आई हैव आस्क्ड अबाउट टू द गवर्नमेंट कि अगर कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरी लड़की ऐसा करती तो उसकी परमिशन दी जाएगी। अगर एक को परमिशन दी जा रही है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप नंगा नाच होते हुए देख रहे हो, अगर इसको नंगा नाच करने की परमिशन दी गई है तो सोसाइटी में जो लोग गरीब तबके के उनको लगेगा ऐसा करो तो कमा सकते हैं, इसकी अनुमति इसको मिली तो हम भी ये कर सकते हैं। तो समाज को जो घटिया मैसेज जा रहा है कि नंगे घूमो, बदन को किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, वो लड़की वो चीज का ड्राफ्टिंग करके दिखा रही है ऑन बॉडी स्केचेस, तो उसकी अपील की थी कि उसको इससे रोका जाए। तो उसने अभद्र शब्दों से मुझे नवाजा, उसने मुझे नवाजा तो मैंने उसके कानून के सेक्शन नवाजे। अब वो आए कोर्ट में और उसको अनकंडीशनली अपोलोजाइज, 2 करोड़ का मानहानि का दावा जो मैंने किया है, जो उस लड़की से मैं 100% बाकायदा बाकानून वसूल करके गरीबों में उसी के सामने बांट के दिखाऊंगी। Called me a few days back when I was filing a police complaint against Ubaid Afridi. So she called me and she's like, she wants to help me. She wants to help me. And I, मुझे बस एक ही काम करना है, इसको मीडिया के सामने लेके जाना है, this lady को, मुझे इस lady के साथ मीडिया में जाना है और you know बताना है कि इसने मेरी help करी है. So I refuse that I don't want media attention and all that on this case. So I don't need your help, Miss Shabnam. I have the voice recordings. I have everything. तो मीडिया के सामने जाने के लिए तब मेरे कपड़े ठीक थे, पर अभी सडनली जब मैंने आपको मीडिया अटेंशन नहीं दिया मेरे कपड़े खराब हो गए। एंड व्हाट डिड शी से दैट शी इज गोना हिट मी, बिच, यू थिंक आई एम द गर्ल हु विल टेक अप, तुम चाहे जो तुम मार के दिखा दो मुझे। वोक अप टू दिस वीडियो एंड आई वाज लाइक डैम, क्या नाटक है यार ये, क्या मतलब। आई रिमेम्बर हर कॉलिंग मी एंड लिटरली बेगिंग मी to help me, कि प्लीज आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, हम मीडिया में जाके इसकी बैंड पर जाएंगे। मैंने कहा हम जाके, when did this we happen, there is no we, girl back away, and now suddenly she's against me because of course whatever I put on my body is her business, and I don't understand, पुलिस कंप्लेंट मेरे खिलाफ बनती है या उसके खिलाफ बनती है जो कि लोगों को प्रोवोक कर रहा है एक लड़की को सड़क पर मारने के लिए, मुस्लिम लोग को प्रोवोक कर रहा है मेरे खिलाफ फतवा जारी करने के लिए एंड मुझे मारने के लिए, किसके खिलाफ बनती है? शी इज ट्राइंग टू, शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू यू नो प्रोवोक पीपल टू किल मी, किसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन बनती है? कानून में जो इस्लामिक शरिया कानून पे चलते हो या हमारे देश के कानून में भी देख लो, कभी किसी औरत की इज्जत को ऐसे उतारा गया और वो किसी मुसलमान ने उतारा ऐसा आपको एक केस नजर नहीं आएगा। हमारी कौम इज्जत ढाकती है, हमने तुमको पर्दा करने कहा, तुमको नहीं करना, हमें नहीं करना, हमारी मर्जी है, कम से कम नंगे तो मत घूमो, कौम का नाम तो मत खराब करो, कौम का नाम खराब करना तो कौम से दूर जाओ, और तुम अल्लाह को नहीं मानती तो तुम्हारी तो वैसे भी जन्म दुनिया ही है। जी हाँ सर, आपका नाम? आनंद पटेल। आनंद पटेल साहब, आप आनंद प्रॉपर जर्नलिस्ट हो मुझे लगता है, करेक्ट? आपका ये प्रोफेशन है, आपकी रोजी रोटी, आपके घर में जो चूल्हा है ना वो इसी से चलता होगा, वहां पे जो खाना बनता है, वहां पे जो पैसे की कमाई आती होगी वो आपके मीडिया का काम करने से ही आती होगी। वह आप अच्छा कवर करें बुरा कवर करें, मीडिया का माध्यम है, कुछ अच्छा दिखेगा कवर करेगा, कुछ बुरा दिखेगा तो कवर करेगा, कुछ ज्यादा बुरा कर दिखेगा तो ज्यादा करेगा तो कवर करेगा, कुछ ज्यादा बुरा कर दिखेगा तो ज्यादा कवर करेगा। अल्टीमेट क्या है कि रोजी रोटी सबकी है, सबको अपना घर चलाना है, तो मीडिया इसमें कहीं पर भी कोई भी गुनेगार की कैटेगरी में नहीं आती है कि वो उसको क्यों कवर कर रही है, वो तो नंगी घूम रही है तो बिटिया दिखा रही है, व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम सोर्स, देखो घर तो चलाना है, घर में हम वो क्या टॉयलेट के टिश्यू रोल्स या वो बैंडेज क्रैप बैंडेज क्या डस्टबिन के जो उसने पेपर्स यूज किए उससे तो खाना पकेगा नहीं, खाना तो अनाज से पकेगा, उसके लिए तो आप मेहनत करें, तो मीडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मीडिया राइट एट देयर प्लेस,